स्मृति नगर स्थित तालाब की साफ सफाई और प्रदूषित हो चुके पानी को बदलने की मांग को लेकर भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर स्वयं उनके द्वारा सफाई कार्य का बीड़ा उठाया जाएगा। वार्ड 2 स्मृति नगर के पार्षद मुकेश अग्रवाल द्वारा स्मृति नगर स्थित तालाब की साफ सफाई नहीं किए जाने से नगर निगम के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया, पूर्व महापौर निर्मला यादव, खुर्सीपार के पार्षद दया सिंह उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में नगर निगम की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए पूर्ण रूप से तालाब की साफ सफाई करने और पानी को बदलने की मांग की, ताकि आगामी छठ पर्व के मद्देनजर तालाब आए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया, पार्षद दया सिंह और मुकेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ की प्रमुख मांग को आप देखिए, तालाब में कचरा पड़ा हुआ है, अंदर तक कचरा घुसा हुआ है, शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं है। कमीशन तक शिकायत की गई है पार्षद द्वारा, एक महीने शिकायत कर रहे हैं। छठ का पर्व आने वाला है, सबसे पवित्र पर्व होता है छठ का हम लोगों का, और वहाँ भी सफाई नहीं हो रही है तो निगम की लच्चर व्यवस्था सामने उजागर हो रही है। इसके अलावा निगम में एक समस्या नहीं, सैकड़ों समस्या और हर वार्ड में समस्या, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक योजना बना रही है कि सारे वार्डों की समस्याएं हैं उनको लेकर के पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देंगे कमिश्नर महोदय को, और अगर समस्याएं पूरी नहीं होती हैं तो एक उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम की। जी तो बोलो कि कुछ दिन शेष बचे हुए हैं और केवल खाना पूर्ति कर रहे थे कि ये थोड़ा थोड़ा से निकाल कचरा लगा दिया और अंदर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, उनकी पूरी सफाई नहीं कर रहे और पूरे भिलाई सारे तालाबों की स्थिति है। आज भिलाई में कितने तालाब हैं, दसों तालाब होंगे बंदे जिसमें छठ में जो पूजा करने आते हैं। मरौदा में है या मरौदा कर सल वो भी अलग निगम हो गया, लेकिन भिलाई निगम के अंतर्गत कम से कम 12-15 तालाब होंगे जहाँ पूजा होती है, और उसमें अगर इस छठ पर्व में अगर सफाई नहीं होगी तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, किस लिए बैठे हो वहाँ पर? आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं हमारे मुकेश अग्रवाल जी, और छठ पर्व के पूर्व चुकी तालाब की सफाई होनी थी, लेकिन देख रहे हैं गंदगी का किस तरह आलम हुआ है, ऐसे में कैसे पूजा करेंगे? छठ पर्व हम सब यूपी बिहार के लोगों का एक प्रमुख छठ मैया का त्यौहार होता है, जो माँ से आशीर्वाद लेते हैं। रात भर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो तालाब में रहती हैं। आज देखिए गंदगी का इस तरह का आलम है और इस तरह, और यही नहीं है, चाहे वो खुर्चीपार का छौनी हो, चाहे कैंप हो, चाहे या नेहरू नगर, स्मृति नगर, आप चल जाए सुपेला, हर जगह हालत है। तो आज इसके लिए धरना प्रदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष माननीय ब्रजेश बिचपुरिया जी ने धरने का समर्थन किया और हर तरह से आने वाले समय के लिए आंदोलन के लिए कहा है। तो ये वक्त रहते, अगर समय रहते इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। विगत पिछले एक महीनों से लगातार जोन आयुक्त, निगम आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी से पत्राचार के माध्यम से बार बार इस तालाब की सफाई का मैंने निवेदन किया है, क्योंकि ये जो तालाब है ये आसपास के 3 से 4 वार्ड के में एक लौता तालाब है जहाँ छठ पूजा के समय भारी भीड़ होती है। तालाब की स्थिति ऐसी कि पानी पूरी तरीके से दूषित होकर काला हो चुका है, बगल से एक नहर जाती है जो कि खुद एक दूषित नहर डिक्लेयर हो चुकी है, उसका पूरा गंदा पानी इस तालाब के अंदर भरा हुआ है। आज सिर्फ नाम मात्र से एक महीने से हम लगातार जब निवेदन कर रहे हैं तो हमको सफाई के नाम से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सफाई कर रहे हैं, मात्र झिल्ली पन्नी जो तालाब के ऊपर में है इसको उठा के सिर्फ झाड़ू मार के दिखा दिया जा रहा है, लेकिन जो मूल समस्या है पानी दूषित हो चुका है, उसके अंदर सीवरेज का पानी है, उसके अंदर पूरे कीचड़ जमा हो गई है, इसके प्रति कोई भी निगम का अधिकारी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। सारी चीज़ें समय नहीं है, बजट नहीं है, इन बातों आज करेंगे कल करेंगे करके आज समय निकाल दिए। एक महीना पहले से आवेदन इसीलिए किया गया था कि हमारे पास भरपूर समय है, जो समस्याएँ हैं उसको जड़ से समाप्त किया जाए, लेकिन यहाँ किसी प्रकार से न अधिकारी कुछ करना चाहते हैं, न स्वास्थ्य अधिकारी किसी प्रकार का ध्यान दे रहे हैं। आप खुद देखिए पानी की क्या स्थिति है, समझ नहीं आ रहा है वो पानी है कि ऑयल है। मैं निगम के अधिकारियों से फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर 1 से 2 दिन में ये तालाब की सफाई का कार्य पूर्ण चालू नहीं किया गया और समय से पहले पूर्ण नहीं किया गया तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं खुद श्रमदान करके इस तालाब का पानी निकालने का प्रयास करूँगा और लोगों से अपील करूँगा कि ये सबके आस्था का एक पर्व है, इसमें आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।